नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों तो जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले व्हाट्सएप की कि व्हाट्सएप हम लोग को क्यों इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। दोस्तों इतना ज़्यादा भेदभाव सही नहीं है। तो दोस्तों बात करेंगे कि इसका खौफ दूसरी कंट्री में क्यों नहीं है और इंडिया के ऊपर ये क्यों इतना दबाव डाल रहा है और ये अपनी पॉलिसी को एक्सेप्ट क्यों कराने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है वो सब बातें यहाँ पर होंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। करने से क्या नुकसान होंगे और ना करने से क्या फ़ायदे होंगे तो दोनों चीज़ बताऊँगा। ये उल्टा है थोड़ा सा, आप समझ लीजिएगा। बहुत ही हिंट मैंने पहले ही दे दिया है कि करना क्या है आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप का कहना है कि कर लो 15 मई तक एक्सेप्ट, नहीं तो कर देंगे तुमको गेट आउट, मतलब डिलीट कर देगा आपका अकाउंट, ये बोल रहा है। समझ लो दोस्तों, अब आपके ऊपर है आपको करना क्या है। तो मेरा काम है बताना, मैं बताता हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है वो आपकी इच्छा, मैं बस बता सकता हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या था, 2014 में FB ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था $19 बिलियन में, ठीक है, $19 बिलियन में ख़रीदा था। और ख़रीदने के बाद तुरंत यूरोप ने बोला था, अरे बेटा तुमने ये ख़रीद तो लिया है तो ये भी तो बताओ कि कहीं तुम इन दोनों ऐप को एक साथ लिंक तो नहीं कर दोगे। तब फेसबुक ने बोला, ना 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 ऐसा तो हम करेंगे ही नहीं, ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, इनका एक साथ करके कोई फ़ायदा नहीं। तो यूरोप ने कहा ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है, आप अपना काम करिए हम अपना करते हैं। तो कुछ नहीं, उसके बाद ये चालाक लोमड़ी कुछ सालों बाद आई, 2 साल बाद बोलता है फेसबुक कि भैया हम कर रहे हैं इसको अपडेट। और अपडेट करके पॉलिसी में क्या नियम आए कि भैया फेसबुक और व्हाट्सएप को अपडेट करने से फ्रेंड सजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे अच्छे फ्रेंड को, अपनी कीमती और करीबी फ्रेंडों को आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों यूरोप ने कहा, बच्चा जी उस समय हमने जब बोला था तो आपने मना किया था। तो यूरोप ने इनको साइड में लगाया और 120 मिलियन के ऊपर का शायद इनको एक जुर्माना लगाकर, और इनसे जुर्माना लगाने के बाद लिखवा भी लिया कि भैया अगर तुमने दोबारा ये बात करने की कोशिश करी तो सीधा हमारी कंट्री से बाहर ही दिखोगे। तो इन्होंने लिख कर भी दिया कि हाँ भैया अब हम ये गलती नहीं करेंगे। दोस्तों फिर हुआ क्या, फ्रांस में भी इसी कारण से ये बैन हुआ, बहुत ही कंट्री में इस तरीके से हुआ। अब बात करते हैं US की दोस्तों। तो US में 50 स्टेट में से 46 स्टेट में इसके खिलाफ चल रहा है केस, समझ रहे हो, केस चल रहा है दोस्तों। 46 में से 50 स्टेट से 46 में चल रहा है केस, और केस काहे का चल रहा है, डाटा लीक का, है ना। तो फेसबुक डाटा लीक करती, उनको ऐसा लगता है। तो इन्होंने अगर वहाँ चूचा करने की कोशिश करी, हल्का सा भी डिसबैलेंस करने की कोशिश करी तो इनको पड़ेंगे सीधे लात और ये निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो दोस्तों गुस्सा तो सबको आ रहा है। और अब बात करते हैं भारत की, भारत में ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, आप बताइए, ये गलत चीज़ है ना। भारत को ये लोग धमकाए पड़े हैं बिल्कुल कि मतलब बेटा कर लो नहीं तो हम आपका कर देंगे बंद। अच्छा थोड़ा पहले ये सुन लीजिए, भारत में GDPR नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, है ना, कि भाई लॉ हो अगर, है ना, प्रोटेक्शन का लॉ हो, डाटा प्रोटेक्शन का लॉ हो तो भाई कुछ बात बने। यहाँ तो क्या है, जो भी आता है बटोरता है और चल देता है सीधा, है ना, तो बटोरो और चल दो। यहाँ जो भी एप्लीकेशन आती है डाटा लेती है, सब निकलती है और फिर निकल लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कानून बनना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए अच्छा खासा, है ना। तो बात ये वही हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको क्या करना चाहिए एक्सेप्ट कि नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट, कि लिंक करना चाहिए फेसबुक व्हाट्सएप को कि नहीं करना चाहिए, ये बात होगी। तो दोस्तों बात वही, अगर लिंक कर ली तो बात वही हो जाएगी, शादी के बाद आप अपनी बीवी को पूरा लाइसेंस दे देते हैं ना कि भैया जो तुम्हें करना वो कर लो, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। तो वही वाला सिस्टम होने वाला है यहाँ पर, तो आप इस चीज़ को समझ के करें, मतलब फिर पूरी जिम्मेदारी है उनकी, वो सब कुछ कर सकते हैं आपके साथ, है ना। तो समझ जाओ, इतना एग्जांपल बहुत मैंने दे दिया आपको। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं उनकी तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो समझ लीजिए कि आप अपनी वाइफ को क्या क्या दे सकते हैं, तो वही वाली चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। अब आप बात, मैं बताता हूँ, अगर आपने कर ली एक्सेप्ट तो आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट क्या। देखिए आपने कर ली एक बार एक्सेप्ट और इनकी गाइडलाइन को एक्सेप्ट करके और लिंक कर लिया फेसबुक व्हाट्सएप एक साथ, लिंक होने के बाद अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट से कोई भी डाटा आपका है, जैसे कि आज आपने कुछ फोटोज़, कुछ बिजनेस की इंक्वायरीज कुछ आपको भेजी आपने, तो ये सब डाटा उनके पास जाएगा, कोई पेमेंट होगी वो भी उनके पास जाएगी, हर एक चीज़ें उनके पास जाएंगी दोस्तों। और जाने के बाद लीक होंगी, और लीक होने के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ पर काम करते हैं, आपका क्या टॉपिक है, आपका क्या नीश है ना, तो सब कुछ उनको पता चल जाएगा। और उसके बाद धकाधक ऐड चलेंगे आपके, ठीक है, ऐड तो चलने ही चलने हैं, वो तो आप छोड़ दीजिए, उसी से रिलेटेड ऐड आएंगे आपके फेसबुक व्हाट्सअप सब में। अब ये तो रही अलग की बात, अब ये समझिए आपने सब कुछ दे दिया, उसके बाद आप तो भैया हो गए कंगाल। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ दोस्तों, अगर आप बहुत ही कीमती मैसेज करते हैं या कीमती आपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं व्हाट्सएप में, तो भैया मत करना, व्हाट्सएप छोड़ दो लेकिन मत करना, लिंक आपका हो जाएगा नुकसान, ठीक है, ठीक है, लॉस हो जाएगा दोस्तों, बात मान लो।
नहीं तो फिर आप बाद में हमसे ना कहना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भैया यही है कि ना करो ज़्यादा ठीक है। और अभी ये भी बोल रहे हैं कि भैया जब हम लोगों ने थोड़ा चिल्लाया, लोगों ने चिल्लाया भारत वालों ने कि भैया ऐसा ना करो, तब बोल रहा है व्हाट्सअप कि भैया चलो हम आपकी बात मान रहे हैं, हम 15 तक ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, उसने ये भी बोल दिया है, अभी बोला है कि 15 तक हम नहीं करेंगे, बट हम आपको एक पिन करते रहेंगे कि भैया ये अपडेट है, इसको एक्सेप्ट करो, है ना। तो वो बार बार आपको भेजता रहेगा तुर्की में, ऐसे करके भेजता रहेगा बार बार, और भेज भेज के अगर आपको एक्सेप्ट करना हो तो करो, नहीं तो फिर वो धीमे धीमे एक चीज़ें बंद करेगा, व्हाट्सअप सीन होना बंद होगा, फिर मैसेज होना बंद होगा, फिर वीडियो कॉल होना बंद होगा, इस तरीके से बंद करके आपको पिन करता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, मेरी सजेशन कैसी लगी ये दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे सब्सक्राइबर बनिए और हमारे चैनल और हमारे परिवार से जुड़िए दोस्तों। और अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन होता है उसको आप दबाइए, और दबाने के बाद अब हमारे परिवार के मेंबर बन जाएंगे दोस्तों। तो चलता हूँ दोस्तों मैं, जय हिंद जय भारत। Time is barely on our side.